कहाँ जा रहा है दत्ता? मैं दत्ता श्रीराम पाटिल अपने पिता का श्राद्ध करने जा रहा हूं। आप जानते हैं ये कौन सी दवाई थी? सांप का जहर। तो तुझे याद है कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, और ये भी याद है कि आज ही के दिन तू अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, मुझसे बात नहीं करती थी, याद है तुझे? बचपन से देखते रहो, लेकिन बाद में पता चला कि तेरे दुख में मेरे लिए नफरत छुपी है। नफरत थी दत्ता, जानता है क्यों? क्योंकि आही साहब ने तुमसे ज्यादा प्यार किया। ऐसा लगा कि उनका सगा तू है। मैंने ये जो चोट आई है वो बहुत गहरी है दत्ता, क्योंकि अपने पिता को तेरे बाप के हाथों मरते हुए देखा है मैंने। श्री राम पाटिल जिसका श्राद्ध मनाने तू जा रहा है, उसको तड़पते हुए मैंने देखा है। क्या कसूर था उनका? हाँ दत्ता, सिर्फ इतना कि वो तुझे तेरे बाप के जुल्मों से बचाना चाहते थे, और फिर 28 साल बाद तेरे बाप का जमीर जाग उठा तो माफी मांगने आ गया। 28 साल बाद कहना बहुत आसान है कि कला के अंदर नफरत भरी है, पर उसे समझना उतना ही मुश्किल है दत्ता, क्योंकि जो मैंने देखा वो इतना काला था कि हम दर्दी का कोई दिया उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकता था दत्ता, समझा? कला, काय को तुम पुरानी कड़वाहट को ताजा कर रही हो? मैंने कहा था ना कि हम लोग का दुश्मनी तो घर की बात है, तुम भूल गई क्या कि हम लोग का दुश्मनी तुम्हारा घर बार, तुम्हारा सब कुछ लूट कर ऐश कर रहा है, और तुम इधर पुरानी बातों को लेकर। तुम्हें मेरे को बोला था ना, तुम सब कुछ भुला चुकी। मैं तो सब कुछ भुला चुकी हूँ सुदर्शन जी, चाची मैं भूल चुकी हूं, पर शायद भाव नहीं भुला पा रहा है ना दत्ता? क्योंकि मैं तो जानती हूं कि मैंने अपनी नफरत को कितना जिया है, और उसे भुलाने के लिए अपने आप से कितना लड़ रही हूं। ये मेरी लड़ाई है, इसकी सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूं। कला, मैंने हमेशा तुझे मेरी बहन माना, बहुत प्यार किया मैंने तुझसे। घर के हर फैसले में सबसे पहले मैंने तेरा मन जाना, और उसके बावजूद बार बार हर बार तूने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। ये सब बातों के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पाटिलवाड़ी जाना। आज मुझे अपने पिता श्रीराम पाटिल का श्राद्ध करना है।
दत्ता, दत्ता लवकर ये रे, वाट बघते है तुझे। नाना के आदमी तेरे खून के प्यासे हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझे। और देख दत्ता, आज के दिन नहीं खोना चाहती मैं तुझे। सौतेला ही सही पर भाई तो है मेरा। दत्ता, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर चुकी हूं। अगर तू श्रीराम पाटिल को अपना पिता मानता है तो कर उनका श्राद्ध। ना मैंने तुझे कल रोका था ना आज रोकूंगी, पर पाटिलवाड़ी में नहीं दत्ता, आज नहीं। साहिबा, ये गाजर का हलवा क्यों बना रही हो? वो श्राद्ध का प्रसाद है ना? श्राद्ध का प्रसाद? पर आई साहब ने तो खीर बनाने के लिए कहा था ना? जाने मुझे क्या हो जाता है, कुछ और करने जाती हूँ कुछ और हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? शहद क्यों डाल रही हो? थोड़ा शक्कर मिलेगा। शक्कर? और यहाँ पिछले 5 महीनों से शक्कर का एक दाना भी नहीं देखा। ये लो शहद, गाजर का हलवा पकने के बाद उसे ऊपर से डाल देना तो खराब नहीं होगा। वो शक्कर खत्म हो गया ना तो उन्होंने बोला था शहद डालने को, इसलिए। उन्होंने? किसने बोला? कौन बोला? कुछ याद आ रहा है? तुमने पहले भी कभी किसी के लिए गाजर का हलवा बनाया था? साहिबा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, पर सर भारी हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 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 तुम इस रसोई में पहले भी कभी आई हो, तुमने पहले भी यहाँ किसी के लिए खाना बनाया है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले इस रसोई में खाना बनाया और किसी की राह देखती थी। किसकी राह देखती थी? किसके लिए खाना बनाती थी? हमारे भाऊ के लिए।
तुझे कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है, कुछ भी साफ नहीं है। चलो बैठो। श्राद्ध में अगर और देर की गई तो पितृदोष लगेगा। साहब किसकी राह देख रहे हैं? किशोर बाबू तो बोल के गए ना कि मंदिर जा रहे हैं, और वो तो उनके बेटे भी नहीं है। पाजी तो इधर ही है, वही तो उनका बेटा है, फिर और किस बेटे का इंतजार कर रही है। दत्ता। हाय साहब, हाय साहब, संभालिए अपने आप को। पता नहीं आया, और हमें श्राद्ध की विधि पूरी करनी है। चलिए। पंडित जी, आप श्राद्ध की विधि शुरू कीजिए। जी। विभु, इस कमरे से, इस घर से मेरा कोई रिश्ता है। विभु, वहाँ मुझे वहाँ से किसी ने पुकारा। विभु, बहुत जोर जोर की कोई लड़ा था, बहुत जोर जोर। वहाँ कुछ कपड़े थे, वो मुझे मेरे जैसे लगे। देखो ये, देख देखो ये लोग कौन है, इनसे मेरा क्या रिश्ता है। देखो ये मैं हूँ। देखो काला रंग लगाया, काहे को लगाया। मेरी जिंदगी का कोई राज है इस कमरे में। देखो मेरे को बता, इस तस्वीर से मेरा क्या रिश्ता है। बोल बोल। Thank you.
देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे क्यों नहीं आया तू? ये सब कौन है बाजी? फोटो तेरे पास किसे आई? ये सब कौन है बाजी? बता मेरे को, साहिबा का इन सब से क्या रिश्ता है? इस घर से, तेरे से, माई साहब से, इस परिवार से क्या रिश्ता? और साहिबा के चेहरे पर ये काला रंग क्यों? अब नहीं बताएगा ना बाजी? तुम लोग मेरे को अपना बोलते हो और मेरे से ही सच छुपाते। तेरे को सब मालूम है इस तस्वीर में क्या है, नहीं बताएगा ना तू? जानते ना दिगू, इन सब बातों में क्या रखा है, छोड़ना दे। बाजी बता मेरे को, मेरे को सब जानने का। जानते ना दिगू, को सोचता है सब चीज। चल छोड़। ए बाजी, मैं अपनी साहिबा के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या करेगा, बोलना। ये तस्वीर उसको परेशान कर रही है, मेरे को जानना है उसको क्या परेशान कर रहा है। बाजी बता मेरे को। देख देखो, तेरी साहिबा को कुछ भी याद नहीं है तो उसके अतीत को तुम छोड़ना यार। ए देख बाजी राव, मैं साहिबा से प्यार करता हूं, सच्चा प्यार, और मेरे को उसके बारे में सब जानते हैं। वो कौन थे और क्या हुआ, सब कुछ।